ये दिक्कत था, मैं आपको कार्बोरेटर क्लीन किया है मैंने, ये बजाज सिटी 100 है। आज ये दिक्कत था कि इसका जो कॉक है, कॉक के अंदर कार्बन जमा हो जाता है, यानी ये कॉक टाइप का फिल्टर भी होता है बजाज का, जो ओरिजिनल मिलता है ना, लेकिन इस पर बजाज लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। आइए देखो, ये बजाज का ओरिजिनल है, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल के नीचे आपको एक फिल्टर मिलता है। ये मेरा जो है ना फिल्टर, हाँ ये देखो, एक कॉक वाला है, तो इसके इधर आपको बजाज का एक वो मिलता है, ये बजाज का ओरिजिनल है, तो ये ओरिजिनल के नीचे एक फिल्टर मिलेगा। ये फिल्टर में पेट्रोल होता है, मैंने पूरा पेट्रोल निकाल लिया। ये देखिए, ये इसके अंदर पूरा जो जंग होता है ना, क्या जमा, वो जंग जमा है इसके अंदर पूरा। ये देखो, दिख रहा है, ये पूरा जंग जमा हो चुका है। ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, देखो दिख रहा है, ये जंग जंग और पानी हो चुका है मिक्स, पूरा जंग जंग है। अभी मैं इसको पूरा साफ करूँगा। और इसके अंदर एक ऐसा फिल्टर होता है लगा हुआ, देखिए ऊपर साइड एक जाली टाइप फिल्टर होता है, वो भी बताता हूँ कैसे चलता है। फिलहाल इसको झटक देता हूँ, देखिए मैं इसको क्लीन करके आपको बताता हूँ। वो अपना जो एयरबड्स आते हैं ना, कान की काड़ी यानी कापूस की काड़ी, उससे भी क्लीन कर लो तो अच्छा हो जाएगा। मैं अभी उससे ही क्लीन करके बताऊँगा, वीडियो लंबा ना हो करके पॉज कर रहा हूँ बार बार, सॉरी। ये देखो, ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर ये आपको अंदर है ना, रुको बताता हूँ कैसा। सॉरी दोस्तों, ज़रा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसके लिए मैंने इसको वापस से लगाया है, आपके लिए वापस से निकालता हूँ। ये ढक्कन निकालने के बाद, ये ढक्कन तो मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, देखो क्लीन कर दिया है। इसके नीचे आपको एक फिल्टर मिलेगा, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वो फिल्टर को निकालने के लिए उसकी जो डंडी है वो खींचना चाहिए, डंडी खींचेंगे तो ऐसा फिल्टर मिलेगा। ये फिल्टर मैंने क्लीन किया है जस्ट वीडियो पॉज करके, क्योंकि आपको दिखा सकूँ, और मेरा मोबाइल का कैमरे का प्रॉब्लम आ गया था उसकी वजह से। ये देखो, एकदम एक्यूरेट हो गया है, क्लीन करना ज़रूरी था क्योंकि ये नीचे गिर गया था डायरेक्टली, तो मैं इसे वैसे ही गंदा लगा देता और आपको दिखा देता वीडियो वापस वीडियो में आप। तो देखिए, ये बस क्लीन भी करके आपको ये इसमें वापस रीइंस्टॉल कर देना है। ये क्लीन भी कर दिया मैंने, और इसको भी क्लीन कर दिया। पूरा रस्ट जो है ना टाके का, जो जंग होता है ना, वो जंग इसके अंदर आ जाता है, जमा हो जाता है। तो आप इसको ऐसा फिल्टर क्लीन कर सकते हैं हर 10,000 किलोमीटर पे, जो कुछ इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ऐसे नॉर्मल मिनिमम टॉप पर टाइट करना है, क्योंकि देखो प्लास्टिक की ट्रेडिंग कराई गई है यहाँ पे, समझ गए। बस इतना ही, इसके लिए इतना वीडियो बना था। कार्बोरेटर मैंने अभी क्लीन किया है, निकल नहीं रहे थे, ऊपर ऊपर के डाग छोड़ दो, अंदर से बहुत अच्छे से क्लीन किया है। वो अपना पेट्रोल से ज़्यादा अच्छे से मैंने उसको डिटर्जेंट से क्लीन किया है, वाटर अपना सर्फ एक्सर वगैरह कुछ भी डिटर्जेंट पानी दे के अच्छे से क्लीन किया है सब्जेक्ट। और गाड़ी झटके दे रही थी, अभी बारिश का टाइम है तो पानी भी नहीं आ गया था, और ये रस्टी हो गया था तो जेट वगैरह सब जाम हो गए थे। अभी मैं इस सबको फिट कर देता हूँ और फिर गाड़ी दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने फिट कर दिया है, देखो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, वो प्रॉब्लम देते रहता है मोबाइल तो। ये देखो, ऐसा क्लीन करके फिट करने का, हाँ देखो क्लीन करके फिट करो। फिट करने के बाद जो इसका ढक्कन है, इसको भी क्लीन करके लगा देता मैं। जो बजाज के ओरिजिनल होते हैं ना, देखिए इसको बजाज दिख रहा रहेगा आपको, ये देखो गौर से देखो इसको, बजाज जो बजाज है ना दिख रहा रहेगा ना, तो बजाज के ओरिजिनल में भी रहता है, डुप्लीकेट में भी रहता है, बट जो जेन्युइन होता है ना वो अच्छा था। ये मेरा गाड़ी के साथ आया, 2012 में लगाया था, अभी तक प्रॉब्लम भी कुछ नहीं दिया है। ये बस मैं इसको हर 10,000 पे क्लीन करते रहता हूँ, 10,000, 20,000, 25,000 मेरे मन मुताबिक है, साल डेढ़ साल के बाद भी कर लेता हूँ कभी कभी, प्रॉब्लम नहीं देता, बट आज ऐसा प्रॉब्लम दिया है ना। और कभी कभी गाड़ी के नहीं क्या, अचानक से रेस देते ना आप,
अचानक से नहीं क्या गाड़ी आइडल पे यार अचानक से रेस दिया तो गाड़ी बंद हो जाता, तो उसका प्रॉब्लम भी मैंने इसमें सॉल्व कर दिया। जो दोनों जेट होते हैं ना, जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर का एक जेट आता है, वो जेट से जो दूसरा जेट को लाइन मिलता है ना, वो जेट को अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने कार्बोरेटर जस्ट क्लीन कर दिया, कार्बोरेटर वगैरह सब क्लीन कर दिया है। और जो आपका ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है ना, आपको जो गाड़ी का एयर फ्यूल मिक्सचर है, आपको दो पे सेट रखना है हमेशा, एंड इसको फुल टाइट करके दो बार खोलना है, तो आपकी गाड़ी का माइलेज आएगा CT 100 का ओनली। ये CT 100 का ओवरहेड कैम है, इसका मतलब जिसको पता नहीं रहेगा उसको मालूम पड़ जाएगा, ओवरहेड कैम। और जो ये इसका एयर फ्यूल मिक्सचर है ना, उसको आपको दो पे सेट करना है, यानी फुल टाइट कर लो, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। फुल टाइट करने के बाद उसको दो बार खोलो, यानी दो टर्न खोल दो, फिर इसका आइडल आपको जैसा सेट करना है वैसा सेट कर सकते हो आप। फिर उसके यानी आइडल है ना, बोले तो इसको दो पे सेट कर दिया ना, इसको फिर फुल रेस करना, फुल रेस करके यानी आइडल को फुल टाइट करना है, आइडल स्क्रू को, फिर उसको दो पे फुल टाइट करके वापस दो बार खोलना, एंड इसको आइडल को कम कर देना। फिर उसके बाद गाड़ी 60-50 की स्पीड पर चलाना, 60-50 की स्पीड पर आप चलेंगे, फिर उसके बाद रख देना गाड़ी साइड में। गाड़ी साइड में रखेंगे ना, उसके बाद दूसरे दिन से आपकी गाड़ी सॉफ्ट चलेगी, आइडल भी अच्छा रहेगा। मैंने भी वैसा किया है, अभी मैं मेरी गाड़ी रख रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।